नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। देखिए, विधानमंडल के इस शीतकालीन सत्र में हंगामे भी होंगे, हंगामेदार रहेगा यह सत्र। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये दूसरा मौका है। पहला मौका तो तब था जब महागठबंधन को अपनी विश्वासमत हासिल करनी थी फ्लोर पर, उस दौरान खूब हंगामा हुआ था। लेकिन अब इस 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में हंगामा तो ज़रूर होगा। एक तरफ जहां बीजेपी है, वहीं दूसरी ओर चाचा भतीजे की सरकार है, कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है। तो ऐसे में एक तरफ जहां महागठबंधन होगा, वहीं दूसरी ओर बीजेपी होगी, नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, विधान परिषद में सम्राट चौधरी सवाल उठाएंगे, कई सारे सवाल को रखेंगे, तारकिशोर प्रसाद भी हैं, कई बड़े नेता हैं, वो अपने अपने सवालों को उठाएंगे। और ऐसे में देखना होगा बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर जब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है तो हंगामा तो होना ही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बैठे होंगे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी होगी, जुबानी तीर भी खूब चलेंगी। लेकिन ऐसे में तैयारियां पूरी की गई। आपको बता दें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से 25 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जिसमें 5 बैठकें होंगी उसका आज से शुरुआत होना है। तो ऐसे में इस शुरुआत के कई मायने, देखिए कई विधेयक भी पास होने, जो खबर निकल के आ रही है 5 दिवसीय सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को विधि व्यवस्था के मुद्दे से लेकर अफसरशाही, भ्रष्टाचार और अराजकता जैसे विषय पर घेरने की तैयारी कर रखी है। साथ ही विभिन्न विभागों में हुई धांधली, लंबित जांच रिपोर्ट को दबाने और गड़बड़ी उजागर होने के बाद भी कार्रवाई से बचाने की जो बात कही जा रही है, लिपापोती की बात कही जा रही है, उसको लेकर विपक्ष मुखर रहने की आशंका है। विपक्ष इस पर खूब सवाल खड़े करेगा। वहीं दूसरी ओर सत्र के दौरान दोनों सदनों में, विधानसभा में और विधान परिषद में, भाजपा तेवर में रहेगी। शराबबंदी, लंबित नियुक्ति प्रक्रिया और श्रम संसाधन के लंबित जांच रिपोर्ट दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की सरकार से बात की जाएगी, जवाब भी मांगा जाएगा और देखना होगा। देखिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव होंगे साथ साथ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमा जब आज से हल्ला बोलेगा, क्या कुछ तस्वीर निकल के आएंगी, उससे तो आपको अवगत कराएंगे ही। सुबह 11 बजे से लाइव स्ट्रीम के यूट्यूब और फेसबुक पर आप बिहार विधानसभा की कार्रवाई प्रतिदिन लाइव देख सकते हैं। उसकी व्यवस्था की गई है, लाइव स्ट्रीम आपको हर उन तस्वीरों से अवगत कराएगा, विधानसभा में कैसे, किनके बयानों से कौन घायल हुआ, किसने कैसे जबानी तीर चलाए और उस तीर का असर क्या हुआ, बीजेपी जो बात कहेगी। एक तरफ जहां रोजगार के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष भी बीजेपी को घेरेगा, केंद्र सरकार ने कितना रोजगार दिया अब तक, कितने वायदे किए गए थे, वहीं दूसरी ओर इस शीतकालीन सत्र में जब हंगामा होगा तो आप यकीन मानिए जब प्रतिक्रियाएं उस पर आएंगी, उन तमाम प्रतिक्रियाओं को आप देखेंगे। और आज से शीतकालीन सत्र की जब शुरुआत हो रही है, हर ओर चाक चौबंद है, तमाम जितने पार्टी के नेता हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और आप समझ सकते हैं जब विधानसभा में बीजेपी वर्सेस चाचा भतीजा, बीजेपी वर्सेस महागठबंधन, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, 7 दलों का गठबंधन है, जितना मांझी की पार्टी भी है, सीपीआई, सीपीआईएमएल ने भी सरकार को समर्थन दे रखा है, तो ऐसे में दृश्य क्या होगा, क्या तस्वीर निकल के आएंगे अंदर से, कौन क्या कहेंगे, उन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे। पहले ही टकराहट शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार 2024 में क्या लाल किला पर झंडा फहराएंगे, ये बातें भी जरूर उठेंगी। बीजेपी भी इस पर ताना मारेगी क्योंकि लड़ाई अब सीधा बीजेपी से है, 2024 और 25 की लड़ाई की तैयारी कर रही है महागठबंधन। तो ऐसे में बीजेपी भले ही कोई मौका न छोड़े, लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आज से दोनों ही सदनों में दिखाई पड़ेगा। और क्या कुछ बातें सामने आएंगी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल के आएंगी, तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, नीतीश कुमार क्या कहेंगे, जब वाद विवाद होगा, कई सारे सरकारी और गैर सरकारी विधेयक भी पास कराने हैं, अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा जाएगा, ऐसे में उन तमाम बातों से, वाद विवादों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।